दोस्तों पुराने जमाने से ही चढ़ाई के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया जाता रहा है, लेकिन आज हम कोई नॉर्मल सीढ़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और डरावनी सीढ़ियों के बारे में, जिन पर चढ़ने से पहले आपको अपने जीवन का लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया इन्फो प्रेजेंट्स टॉप 5 मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1, माचू पिचू स्टेयर्स। स्टेयर्स ऑफ डेथ के नाम से प्रसिद्ध यह सीढ़ियां दुनिया की सबसे डरावनी और खतरनाक सीढ़ियों में से एक है, और वो इसलिए क्योंकि यह सीढ़ियां समुन्द्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है, और अगर चढ़ते या फिर उतरते समय आपका ध्यान जरा सा भी चूका तो आप सीधा 2700 मीटर नीचे जा गिरोगे। आपको बता दे कि नीचे से ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा। इन खतरनाक सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद आपको ऊपर एक खंडरनुमा माचू पिचू नामक किला बना हुआ दिखाई देगा, जो काफी खूबसूरत है, और अगर आप इन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ आने वाले 400 पर्यटकों में से एक होना होगा, क्योंकि हाल ही में यहाँ घूमने वाले पर्यटकों की संख्या को सीमित कर दिया है। बता दें कि इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी नहीं है, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर बारिश भी अधिक होती है, जिसके कारण इन सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते वक्त फिसलने का खतरा बना रहता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सीढ़ियाँ आज के समय की नहीं है बल्कि 500 साल पुरानी है। नंबर 2, स्टेयरवे टू हेवन हाइकू स्टेयर्स। दोस्तों क्या सीढ़ियां भी इतनी खतरनाक और डरावनी हो सकती है कि उन पर बैन लगा दिया जाए? ओहू की कोलाऊ पहाड़ पर मौजूद यह सीढ़ियां दुनिया भर के लोगों में बहुत मशहूर है। यह सीढ़ियां समुन्द्र तल से लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है, और इस पहाड़ के टॉप पर पहुंचने के लिए 3922 खड़ी सीढ़ियां बनी हुई है। इन खतरनाक सीढ़ियों को हाईवे टू हेवन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1942 में US नौसेना द्वारा संचार तारों को स्थापित करने के साधन के रूप में बनाया गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डेयर डेविल हाइकर्स के लिए यह सीढ़ियां लोकप्रिय हो गई, जिसके बाद अधिक ऊंचाई और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1987 को इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन बैन होने के बावजूद भी हर साल यहाँ पर हजारों टूरिस्ट चढ़ाई करते हैं। इस जगह की सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पहाड़ की चढ़ाई करने के बाद सबसे ऊपर एक झूला बना हुआ है। नंबर 3, हरियर फोर्ट स्टेयर्स। हरियर फोर्ट महाराष्ट्र के नासिक जिले में कसारा से 60 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, लेकिन इस किले तक पहुंचने के लिए आपको बेहद ही खतरनाक और पुरानी सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। चढ़ाई कई जगह एकदम कड़ी यानी 90 डिग्री की है। बता दे कि यह सीढ़ियां चट्टान को काटकर बनाई गई है, इसलिए कहीं कहीं पर तो यह सीढ़ियां पूरी तरह से टूटी हुई है। आपको बता दे कि इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं लगाया गया है। साथ ही इस किले की चढ़ाई को हिमालय के क्लाइंबर्स द्वारा दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है। यह पहाड़ दो तरफ से 90 डिग्री की तरह सीधा है, वही किला 170 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इस पर चढ़ने के लिए 1 मीटर चौड़ी 117 सीढ़ियां बनी हुई है। इस किले की लगभग 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुख्य द्वार आता है, जो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। किले की पूरी चढ़ाई करने के बाद ऊपर का नजारा बेहद खूबसूरत और अमेजिंग होता है। नंबर 4, कलावंती दुर्ग स्टेयर्स। दोस्तों कलावंती दुर्ग तक पहुंचने की सीढ़ियां दुनिया की सबसे खतरनाक स्टेयर्स में से एक है। यहां पर चढ़ाई करना और लौटना मौत के मुंह में जाकर निकलने जैसा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित 2300 फीट ऊंचा यह किला देश में सबसे खतरनाक ट्रैकिंग लोकेशन है। इस किले पर चढ़ने की सीढ़ियां चट्टान को काट काट कर बनाई गई है, इसलिए सीढ़ियां भी टेढ़ी मेढ़ी है। यूं कहिए वह उबड़ खाबड़ चट्टानों की शक्ल में है, उन्हीं पर पैर रखकर और सहारा बनकर लोग ऊपर चढ़ते हैं। आपको बता दे कि किले पर चढ़ने के लिए कोई रेलिंग और रस्सी भी नहीं है। सोचिए किसी तरह अगर आप ऊपर पहुंच गए तो नीचे कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना चढ़ना मुश्किल है उससे कई गुना कठिन इससे उतरना है। एक छोटी सी चूक और जान का खतरा हमेशा बना रहता है। अक्टूबर से मई के बीच का वक्त यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ट्रैकर्स बताते हैं कि बारिश के दौरान यहाँ खतरा दोगुना हो जाता है। नंबर 5, पिकोडा टिजुका स्टेयर्स। पिकोडा टिजुका ब्राजील के टिजुका फॉरेस्ट में स्थित है। पिकोडा टिजुका समुद्र तल से 1022 मीटर की ऊंचाई पर है, जिस पर चढ़कर आप शहर का 360 डिग्री दृश्य देख सकते हैं।
लेकिन इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना बेहद ही खतरनाक है। बता दे कि इस सीढ़ियों को पहाड़ की चट्टान को काटकर बनाया गया है। कहीं कहीं पर तो यह सीढ़ियां एकदम सीधी यानी 90 डिग्री के कोण की तरह है। हालांकि इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए साइड में एक चैन भी लगाई गई है, इसे पकड़कर और ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्हीं सीढ़ियों से फिसलकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि इन सीढ़ियों से ऊपर तक चढ़ने में 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इनमें से आपको सबसे खतरनाक और डरावनी सीढ़ियां कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल वाले आइकन को भी क्लिक कर लीजिए।